शाहपुर नवादा में सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण, दौड़ेगी स्वच्छ भारत मिशन की रेल। विकास खंड अजमतगढ़ के शाहपुर नवादा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3,91,000 की लागत से निर्मित सामुदायिक सुलभ शौचालय का शुक्रवार को दोपहर बाद पूरे ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा ने लोकार्पण किया। इस शौचालय को रेल के आकार में बड़े ही आकर्षक डिजाइन में बनाया गया है। भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नए वर्ष के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने आप सभी ग्रामीणों को तोहफे के रूप में सामुदायिक सुलभ शौचालय दिया है। उन्होंने उपस्थित लोगों से यह भी कहा कि शौचालय का नियमित उपयोग करें, साथ ही साथ उसकी साफ सफाई का भी ध्यान दें। गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए सरकार की मंशा को साकार करें। आप लोग आगे बढ़कर सहयोग करें। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी रामाशीष सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी सुनील पाल, ग्राम प्रधान असजद आजमी, अब्दुल्ला सद्दाम, डॉक्टर इरशाद आलम खान, मोहम्मद अफजल अजीत आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज ये जो शौचालय का उद्घाटन किए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में एक ऐसा आह्वान किया कि हर हमारे गांव घर की माताएं बहनें कभी खेतों में शौच करने जाती थी, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से होती थी और बरसात के दिनों में खास करके बहुत दिक्कतें होती थी गांव के ग्रामीण अंचलों में, और उन्होंने एक इज्जत घर के रूप में शौचालय का निर्माण कराया और इतिहास में कभी इतना ज़्यादा शौचालय, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा घर नहीं जिससे शौचालय न दिया गया हो, और सामुदायिक शौचालय के रूप में एक संयुक्त रूप से एक शौचालय बनाया गया। सबसे पहले मैं यहाँ के ग्राम प्रधान और यहाँ के सेक्रेटरी और हमारे बगल में खड़े एडीओ पंचायत में इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों की प्रेरणा से ऐसा शौचालय बना जो सबके लिए मार्गदर्शक के रूप में एक समाज के लिए प्रतीक है, ये समाज में लोग शौचालय में जाएं। सबको आह्वान करने की ज़रूरत है कि रोड के किनारे खेतों में कहीं ना बैठें, हर घर की बहू बेटी की इज्जत होती है, इस नाते इसको इज्जत घर का भी नाम दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के अभियान में मिश्रा जिंदाबाद।